अक्सर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि टोल प्लाजा के कई तरह के मामले सामने आते हैं। ज्यादातर जो किस्से सामने आते हैं वो टोल कर्मचारियों के गर्म व्यवहार के होते हैं, लेकिन एक पहल से अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुजरने वाले वाहन चालकों को टोल रोड पर टोल कर्मचारियों के गर्म व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गदपुरी टोल प्लाजा मधुरभाषी शिक्षित महिला स्टाफ को तैनात कर रहा है। टोल प्रबंधन द्वारा आज महिला स्टाफ की बैठक लेकर वाहन चालकों से बेहतरीन रवैये को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। टोल बूथ पर तैनात बाउंसर अक्सर विवादों के घेरे में बने रहते हैं। वाहन चालकों से विवाद को लेकर कई मामले सुर्खियों में आते हैं, लेकिन मंगलवार को गदपुरी टोल प्लाजा के दफ्तर में महिला स्टाफ की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधक वैभव शर्मा और टोल इंचार्ज शाहनवाज खान मौजूद रहे, जिन्होंने महिला स्टाफ को टोल से गुजरने वाले वाहन चालकों से अच्छा व्यवहार करने को लेकर प्रशिक्षण दिया। साथ ही उन्हें टोल प्लाजा संबंधित सभी नियमों की जानकारी भी दी। परियोजना प्रबंधक वैभव शर्मा ने बताया कि टोल पर महिला स्टाफ की नियुक्ति की गई है, वाहन चालकों से बेहतर व्यवहार रहे इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर टोल टैक्स पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है उसके लिए नियमों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि कोई ऐसा नियम नहीं है जिसमें वाहन चालकों को निशुल्क निकाला जाए। इसके साथ ही उनका ये प्रयास रहता है कि टोल प्लाजा पर वाहन चालक को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। गति इसमें थोड़ा जागरूकता ही कमी है, जैसे काफी कस्टमर्स हमने देखे हैं जो खासकर मैं वेयर प्लाजा की बात करता हूँ, क्योंकि फास्टैग सबके है, सबको फास्टैग अनिवार्य कर दिया 2019 में सरकार ने, उसमें काफी लोग ऐसे देखे हैं जो फास्टैग में बैलेंस नहीं रखते हैं, वो ब्लैकलिस्ट होता है, ब्लैकलिस्ट होने के बाद फास्टैग रीड नहीं करता, उस केस में हमें डबल पेनल्टी के लिए जो है वो बोला जाता है कस्टमर को, उसमें डबल पैसा लगेगा कैश के थ्रू, तो वो डबल पैसा देने के लिए राजी नहीं होता, फिर वो कहता है मैं फास्टैग को रिचार्ज कर रहा हूँ, तो वो कस्टमर वहीं खड़ा होकर रिचार्ज ना करता है, उस पर टाइम लगता है उसको अपडेट होने। उद्देश्य यही था कि जैसे लड़कियों ने भी नया नया ज्वाइन किया है तो थोड़ा लड़कियों में झिझक है, थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि टोल का जो माहौल जो काम रहता है जनरली लड़के ही इस काम को करते हैं, तो लड़के को एक तरीके की ब्रीफिंग दी गई, उनकी थोड़ी हिम्मत दी गई कि ये काम इनसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता, तो एक मोटिवेशन लड़कियों को देना था और उनको ट्रेनिंग वगैरह के रिगार्डिंग कुछ छोटी मोटी करी उनको ब्रीफ करना था, ये हमारा मेन मकसद था। शर्मा जी, अक्सर टोल पे बाउंसर रखे जाते हैं, बहुत सारी शिकायत आती है कि मारपीट के लिए झगड़े के लिए टोल पे बाउंसर होते हैं, जबकि यहाँ आपने एक स्मूथ स्टाफ रखा, क्या मानना है? पीछे ना बाउंसर वगैरह रखना तो असली सेंस नहीं बनता, तो इधर हमको किसी लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है, हमारा सरकारी काम है, हम लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि इस काम को लड़के से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो लड़कियों की कन्विंसिंग पावर है, जो लड़कियों की प्रेजेंटेशन या मैनेजमेंट स्किल्स है, वो लड़कों के मुकाबले फार बेटर है। सत्य खबर के लिए पलवल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक। We'll be right back.